गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं प्राची दहुन। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। बहुत संघर्ष के बाद हमारा भारत अंग्रेज की गुलामी से आजाद हुआ। सच ए नाइस डे। काश मैं उस मोमेंट को महसूस कर पाती। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी संविधान लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और इसे लिखा था आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यानी इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन चुका था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया, बल्कि उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। इसके पीछे भी एक कारण है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो कारण है वो है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रेसिडेंट दोनों ही ऑफिशियल पावर में आ गए थे। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसके बाद परेड होती है और स्थल सेना और वायु सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार की झांकियां निकलती हैं और फोक डांसेस भी होते हैं। हमारी जो संविधान की किताब है उसमें देश को चलाने के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना कर सके। क्या आपको पता है गणतंत्र का मतलब क्या है? गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। यानी गणतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा लोगों पे शासन करना, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम अपना प्राइम मिनिस्टर खुद ही चूज करते हैं इलेक्शन के द्वारा, इसलिए हमारे देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। सो इस प्रकार से हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जय हिंद। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।